बरसात के सीजन में पकौड़े खाना हर किसी को पसंद है, तो पीजीज किचन में आज मैं लेकर के आई हूँ प्याज के पकौड़े। वैसे तो बहुत सारी चीजों के पकौड़े बनाए जाते हैं, लेकिन प्याज के पकौड़े बहुत ही सिंपल और आसान होता है बनाना। प्याज के पकौड़े बनाते समय हम तीन जगहों पर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जैसे प्याज को काटना कैसे है, प्याज को मिक्स कैसे करना है और फ्राई कैसे करना है। अगर इन तीनों जगह पर हम थोड़ी थोड़ी गलतियों में सावधानी बरतें तो परफेक्ट प्याज के पकौड़ा बना करके हम तैयार कर लेंगे। पीजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं प्याज के पकौड़े। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं ये तीन प्याज, जिसे दोनों साइड से काट करके छिलका हटाकर धो लिया है। प्याज को इस तरह से आधा करके जड़ वाले हिस्से को काट के अलग कर देते हैं। इस तरह से प्याज को आधा करके हम इसे काट लेते हैं। इसे ना ही ज्यादा पतला काटना है ना ही ज्यादा मोटा, इसे हम मीडियम शेप में काटेंगे और इस तरह से प्याज के सारे लच्छे को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप प्याज को सही शेप में नहीं काटेंगे तो या तो आपके पकौड़े आपस में ज़्यादा चिपक जाएंगे, नहीं तो बेसन की मात्रा इसमें ज़्यादा लगेगी, लच्छेदार पकौड़े बिल्कुल नहीं बनेंगे। और इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे प्याज को हमने काट लिया है। प्याज को हम अलग अलग करके एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। प्याज में डालते हैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से प्याज में हम मिक्स कर देते हैं ताकि प्याज अपना पानी रिलीज करे। इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे इस प्याज में 2 हरी मिर्ची। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें डालें तीखा और चटपटा बनाने के लिए, अगर नहीं पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच कलौंजी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम प्याज में मिक्स कर देते हैं। प्याज जब तक पानी रिलीज करेगी तब तक हम गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं, ताकि इसमें बेसन मिक्स करते ही हमें तुरंत ही फ्राई करना पड़ता है। अगर हम तुरंत फ्राई नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल गीला हो जाएगा, फिर पकौड़े का परफेक्ट शेप नहीं बन पाएगा। इसमें अब डालेंगे हम तलने के लिए तेल। जब तक ये तेल गर्म हो रही है तब तक हम अपने प्याज के मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बाउल में हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है और इस बेसन को प्याज में थोड़ा थोड़ा डाल करके हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें ये 1 चम्मच बेसन को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से प्याज में हम मसल करके मिक्स करेंगे। ये देखिए प्याज ने कितना पानी रिलीज किया है, और इसे 1 चम्मच बेसन मिक्स करने के बाद भी ये मिक्सचर थोड़ी गीली है, इसमें हम और बेसन ऐड करेंगे। एक बार में इसमें ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करें, धीरे धीरे जितने बेसन की हमें आवश्यकता होगी उतने बेसन हम इसमें यूज करेंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं बिना पानी डाले। ये देखिए प्याज के पकौड़े के लिए ये मिक्सचर बन करके तैयार हो गई है। तेल गरम हो चुकी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा लेकर के हम इस तरह से तेल में डालेंगे। ये देखिए तेल बिल्कुल गर्म हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम कर देंगे मीडियम, फिर इसके बाद हम इसमें पकौड़े तलेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेकर के और हल्का शेप दे करके हम इसे तेल में डालेंगे। पकौड़े को तेल में डालते समय अगर आपको परेशानी हो तो आप इसे चम्मच से भी बना सकते हैं। इसके दूसरे बैच में हम आपको चम्मच से किस तरह से बनाएंगे वो दिखा देंगे। पकौड़ा बनाते समय ये ध्यान रखें कि इसे हमेशा मीडियम फ्लेम पर तलें। पकौड़े को एक साइड से पकने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है, तो एक साइड से जब पक जाए तो सावधानी से इसे हम पलट देते हैं। दूसरी
दूसरी साइड से भी पकने में इसे 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है, तो फिर से हम इसे पलट देते हैं और दोनों साइड से कुरकुरी होने तक हम इसे उलट पलट करके तल लेते हैं। ये देखिए पकौड़े दोनों साइड से सुनहरे हो चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेते हैं। प्याज के पकौड़ों को हमेशा सुनहरी रंग पे ही निकाल लें, नहीं तो अगर इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन करके निकालेंगे तो ये बाहर निकलने के बाद खुद के हीट में भी ये पकते रहते हैं, फिर ये काले पड़ जाते हैं पकौड़े। इस तरह से पकौड़े को निकाल करके स्टेनर में रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। इसे पकौड़े को हमेशा किसी जालीदार बर्तन में रखें, अगर आप डायरेक्ट प्लेट में रखेंगे तो पकौड़ा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर पकौड़े हाथ से नहीं बन पाए तो आप चम्मच की सहायता से भी इस तरह से तेल में इसे छोड़ सकते हैं। जब तक दूसरे प्याज का पकौड़ा बन करके तैयार होता है तब तक हम बना लेते हैं प्याज का डिप। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बाउल में रखते हैं छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए प्याज, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच नमक, और इसमें डालना है जिस तेल में हम भजिए को तल रहे हैं या पकौड़े को तल रहे हैं उसी से 1 चम्मच गरम गरम तेल हम निकाल करके इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए प्याज का डिप बनकर के तैयार हो गया है और ये इस तरह से दूसरे बैच का भी पकौड़ा हम तल करके तैयार कर लेते हैं। इसी तेल में 2 से 3 हरी मिर्ची को भी हम फ्राई कर लेते हैं। गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनकर के तैयार हो गए हैं, तो चलिए कर लेते हैं अब इसका प्लेटिंग। प्याज के डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।